नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सुबह के समय धीरपुर स्थित राधोजी गौशाला पहुंचे और गौशालाओं की गायों को चारा खिलाकर और इसी के साथ विधायक ने गोवर्धन पर भोग लगाकर आरती कर गोवर्धन की पूजा की और सभी के लिए खुशहाली की कामना की। अच्छा लिया चाचा। हाँ, गोवर्धन को लिया बस बदक ना मारला। गोवर्धन भगवान की जय। बोलो राघव जी महाराज की जय। गांव में भाई दोष पर 90 वर्ष की बुजुर्ग कोमलबाई नाम की महिला ने अपने हाथों से बनाई गोबर की धोजी। राधोगढ़ तहसील के सार सहेला गांव में परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी एक 90 वर्ष की महिला ने अपने हाथों से गाय की गोबर की धोजी बनाई और विधि विधान से धोजी को अगरबत्ती लगाकर घी दूध दही हल्दी शक्कर चावल से बनी खीर लगाकर भोग लगाया। महिला ने पूजा के बाद सभी भाइयों को तिलक लगाया। थारी पे दोजी साल में 3 बार और होरी पे बनती है यादवन के और दिवारी पे बने और कृष्ण भगवान के पीड़ा भरेंगे जब बनेंगे। 4 दिन पीछे देव 11 के 4 दिन पीछे राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बचाई 3 लोगों की जान। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। विधायक जयवर्धन सिंह ने 3 घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और भर्ती कराया। राधोगढ़ बस स्टैंड के पास सड़क हादसा हुआ था, वहीं से विधायक जयवर्धन सिंह गुजर रहे थे। उन्होंने घायलों को देखा और फौरन ही अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर गए और घायलों का उपचार कराया। बीनागंज एबी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में इन दिनों किसानों व आम ग्राहकों को लेन देन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों में पैसों की आवश्यकता अधिक होने से बैंक में किसानों को फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा। बैंक टाइम में गेट पर ताला डालकर लिख दिया जाता है कि सर्वर डाउन है। दिवाली से 2 दिन पहले व आज हमारे सहयोगी ने बैंक में मौजूद एकमात्र कर्मचारी से बैंक टाइम के बारे में जानना चाहा तो उसने कैमरे पर आने से मना करते हुए कहा कि शाखा में कर्मचारियों की कमी तो है, साथ ही सर्वर भी डाउन चल रहा है जिसके कारण लेन देन का कार्य बाधित हो रहा है। अन्य स्टाफ के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह छुट्टी पर हैं। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। शराब के नशे में पार्षद पहुंचे थाना, जांच शिकायत न करने के लिए बनाने लगे थाना प्रभारी पर दबाव। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि पुरानी छावनी में एक ही समाज के 2 गुटों में आपसी संघर्ष को लेकर मामला सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां पर दोनों पक्ष टकराव की स्थिति में ही नजर आए। मौके की नजाकत को समझते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने दोनों पक्षों से बैठकर बात की और मामले को समझने की कोशिश की, जिसके बाद पार्षद वहां पहुंचे और दोनों की रिपोर्ट न लिखने के लिए थाना प्रभारी पर दबाव बनाने लगे। पार्षद रामबली ओझा जो कि शराब के नशे में थाने पहुंचकर थाना प्रभारी पर दबाव बना रहे थे, वहीं थाना प्रभारी ने उन्हें समझाइश दी कि इस ग्रुप से जो कानूनी संगत होगा कार्रवाई की जाएगी। समझते पर है कि कांग्रेसी पार्षद बिना सोचे समझे और शराब के नशे में थाने पहुंचकर क्यों पुलिस के काम में दखल दे रहे थे। ए, 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 ए,
अरे तो क्या है वहां पर कौन है अभी? कोई है क्या? कोई नहीं है उनका भी आदमी सब यहीं पर अस्पताल मेडिकल कहाँ लगा है? ये एबीसी रिपोर्ट कर रहा था तो मुझे बैठे हैं बस अब कौन है वहां पर? चलो चलो ठीक है चलो चलो बहुत अपने ये रात्रि में पुरानी छावनी में कुशवाहा समाज के दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई थी पुरानी रंजिश पर से लेकर के। तो इस संबंध में जब दोनों पक्ष थाने पर आए तो आपस में उनमें गर्मा गर्मी होने लगी थी तो उपस्थित फोर्स द्वारा उनको आवश्यक समझाइश दी गई और दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर उभय पक्षी प्रकरण पंजीबद्ध किया है मारपीट का जिसकी विवेचना की जा रही है। इसी दौरान क्षेत्रीय पार्षद रामबली ओझा भी आए थे तो उनके द्वारा बताया गया कि हम साहब राजीनामा करवा देंगे इनका अभी आप इनको छोड़ दें। हमने कहा पहले विधिवत ये रिपोर्ट करना है तो जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस कार्रवाई कर लेगी और जो केस जमानती है जमानत को छोड़ दी। दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई पक्षी की तरफ से मुकदमा कायम है एक दूसरे के विरुद्ध। कासरदेव मंदिर पर आज लगा पशुधन मेला। बता दें कि गुना मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर ग्राम बड़ौदिया में जिला मुख्यालय से थोड़ी ही दूर ग्राम बड़ौदिया में ये मेला लगाया जाता है। इस मेले में देश भर के कई लोग पहुंचते हैं। यहाँ इस कासरदेव के मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर आज के दिन शुद्ध देसी घी से मालपुए व खीर बनाए जाते हैं। इसका प्रसाद भी सभी लोगों में बांटा जाता है। एक लाख 65,000 की लूट के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने दिया पुलिस रिमांड पर। आपको बता दें कि जामने से लेकर मकसूदनगढ़ के बीच एक मोबाइल विक्रेता के साथ हुई 1,65,000 की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय में पेश कर उन्हें वहां से पुलिस रिमांड पर भेज दिया। फरियादी अर्पित पालीवाल को जो मोबाइल बेचने का काम करता है जामनगर और मकसूदनगर में रहता था बिना नाम से मोबाइल लूटने के लिए उन लोगों ने क्या उसकी मोटरसाइकिल रोक कर मोबाइल लूट लिए थे कुछ गैस वगैरह भी लूट लिया था हमने मुकुल लागू खुलाई उसमें 1,65,000। कहते हैं कि भाई बहन का प्यार ही अजीब होता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। राखी हो या दोज अपने भाइयों की कलाई पर राखी और टीका लगाने के लिए बहनें कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला आज जिला जेल परिसर में जहां बंद कैदियों को तिलक करने के लिए उनकी बहनें लंबी कतार में खड़ी हुई देखी गईं। जेल प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी एवं सक्रियता से इन बहनों का साथ दिया। शहर में नगरपालिका के अंतर्गत आने वाली बिजली के खम्भों की लाइन जल जाने से शहर में अंधेरा छा गया जिसको देखते हुए नगरपालिका ने आज अपनी तरफ से लाइन बिछाकर शहर को वापस रोशन कर दिया। दिवाली पर कहीं भी अंधेरा ना हो इस हेतु नगरपालिका के कर्मचारियों ने मुस्तैदी से वहां पर लाइन बिछाकर शहर को रोशन करने में सहयोग दिया। नगर पालिका में जो समस्या हो गई कि पूरी लाइन जल चुकी है अपनी अपन ने 3-4 बंडल स्थाई लगा के
और लाइट चालू करवा दो। दीपावली का त्यौहार गुजरते ही शहर में दूसरे दिन पसरा सन्नाटा। शहर की सभी गलियां जहां पर पैर रखने के लिए जगह तक नहीं होती थी, आज वहां पर सुनसान पड़ा रहा। बाजार में एक दो लोग ही नजर आए। अमर शहीद स्थल पर देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को एवं पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अभी तक कुल 372 पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देश की सेवा के लिए दिया है, जिनमें से मध्य प्रदेश के 3 वहीं गुना जिले के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। इन सभी की शहादत को नमन करने के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और जिनमें से 2 हमारे गुना जिले से संबंधित थे, पुलिस विभाग आज उन वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। डीजीआना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।